कि आप सोचिए ना, आप यत्र तत्र यत्र सर्वत्र जहां देखते हैं वहां प्रेम ही प्रेम है। कितना प्रेम आनंद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? अभी हम बुद्धिगत सीमाओं में जीते हैं ना, तो इसको ऐसा चलना, इससे ऐसा मिलना, ऐसे ऐसा। पर जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि हो वहां क्या सोच है? जहां प्रेमास्पद हो और आप प्रेमी हो और वहां जहां एक हो रहा है सब कुछ, वहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि है, वहां कोई और चीज चाहिए ही नहीं। तो वहां मृत्यु का भय नहीं है, बीमारी की आशंका नहीं है, छूटने का डर नहीं है, प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। जब तक आप उससे मिलते नहीं हैं, तब तक आपकी बुद्धिगत एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर होते हैं, क्योंकि बुद्धि सोच रही है ना, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं तो ऐसा, देखो कितना बुरा हो रहा है, कितना ऐसा हो रहा है, ये बुद्धि सोचती है। पर जब आप हृदय में उतरते हैं तो वहाँ कुछ चाहिए ही नहीं आपको उसके अलावा, उससे कहीं बेहतर हृदय काम करता है, ठीक है। जब तक कि प्यारे से मुलाकात नहीं होती तभी तक सारे विरोध हैं। एक लड़की या एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो कितनी सारे ताने सुनता है, ठीक है, सुनता है नहीं सुनता, समाज का विरोध उठाता है, माँ बाप का विरोध उठाता है, तभी तक उसके स्ट्रेस है। जैसी जैसी मिलन की घड़ी पास आती है, उन्होंने तय कर लिया कि इस दिन इसके हमने कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उस दिन की खुशी और उस दिन के मिलन का आनंद, सारी दुनिया गई भाड़ में, है ना, उससे कहीं ऊपर उसके मिलन का आनंद हो जाता है, इसीलिए विरोध का फोर्स फीका पड़ जाता है। ये और बात है कि ये दो शरीरों का मिलन कभी भी सफल हुआ ही नहीं, इसीलिए ही इंसान कुछ सालों के बाद उसी व्यक्ति से तलाक लेने लगता है जिस व्यक्ति को प्यार करता है। ये सत्य है, उसे पता चल जाता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। पर परमात्मा के मिलन के बाद नित्यम नित्यम वर्धते वर्धते, वर्धमान है, नित्य वर्धमान, वो रस नित्य बढ़ता जाता है। तो सारे बुद्धिगत फोर्स वहां पर फीके पड़ जाते हैं जहां आपका हृदयेश्वर से मिलन होने की तड़प या उसकी इच्छा मात्र, या आपका थोड़ा सा ध्यान उससे मिलने के लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन या ध्यान, जैसे ही आप अंदर उतरते आपका वो बुद्धि का फोर्स कम होके और चेहरा प्रसन्न होने लगता है। कुछ चाहिए ही नहीं वहां पे, कुछ नहीं चाहिए, और जहां कुछ नहीं चाहिए वहां हृदयेश्वर का मिलन है। जहां कुछ चाहिए वहां पर मांग है, जहां पर मांग है वहां पर बुद्धि है, जहां पर बुद्धि है वहां पर साथ साथ दुख भी है। आप अगर चाहोगे कि मुझे ये चीज मिले तो उस चीज के मिलन के पीछे उसके छूटने का भय साथ ही होता है, ये बात तय है। आप अगर जन्म लेते हैं या आप किसी को जन्म देते हैं तो उस जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी तय होकर आती है। केवल जन्म का सुखद अनुभव नहीं है, उसके पीछे बीमारी का भय भी है, उसके पीछे अपमान का भय भी है, उसके पीछे उसके बिछड़ने का भय भी है, उसके पीछे उसकी मृत्यु का भय भी है, सब साथ साथ चलते हैं। केवल सुखद अनुभूति नहीं है। आपने जन्म लिया, आपके माता पिता के लिए वो खुशी का क्षण हो सकता है, पर आपके पूरे जीवन काल में आप इतनी परेशानियां उठाई आपने, वो दुखद अनुभूतियां भी तो है। तो सुख जब आप चाहते हैं तो उसके पीछे उसके दुख की सीमा तय हो जाती है। ध्यान देना, जो भी आप मांग करते हैं, जिसकी आपको मांग है, उसके साथ साथ उसके बिछड़ने का भय भी पनप लेता है, जन्म ले लेता है। पर जब आप अपने आप में हैं तब न बिछड़ने का भय, क्योंकि आप अपने आप से तो बिछड़ ही नहीं सकते ना, आप अपने आप को दुखी कर ही नहीं सकते कभी। तो वो सुखद अनुभूति में कोई व्यवधान नहीं है, उस सुखद अनुभूति में मृत्यु का भय नहीं है, उस सुखद अनुभूति में इंतजार नहीं है, उस सुखद अनुभूति में केवल और केवल मिलन का आनंद है। प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को खेके लेके वहां, वहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है।
प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, जहाँ प्रेम के आप सोचिए ना, आप यत्र तत्र यत्र सर्वत्र जहाँ देखते हैं वहाँ प्रेम ही प्रेम है। कितना प्रेम आनंद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? अभी हम बुद्धिगत सीमाओं में जीते हैं ना, तो इसको ऐसा चलना, इससे ऐसा मिलना, ऐसे ऐसा, पर जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि हो वहाँ क्या सोच है? जहाँ प्रेमास्पद हो और आप प्रेमी हो, और वहाँ जहाँ एक हो रहा है सब कुछ, वहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि है। कुछ नहीं चाहिए, वहाँ कोई और चीज़ चाहिए ही नहीं। तो वहाँ मृत्यु का भय नहीं है, बीमारी की आशंका नहीं है, छूटने का डर नहीं है। प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, ऐसी सोच मात्र ही आनंद देती है। तो आप हर रोज कुछ देर सही अपने आप से, अपने प्रियतम से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। बच्चों से मिलते हैं, ऑफिस से मिलते हैं, बॉस से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, दुश्मनों से भी मिलते हैं, केवल उससे नहीं मिलते हैं। एक बार उसमें उतरने का अभ्यास कीजिए। आपके लिए सारी सृष्टि खेल है, हर दुख खेल है, मृत्यु खेल है, क्योंकि उसके मिलन का सुख ही इतना अच्छा है कि और कोई चीजें मायने ही नहीं रखती। अभी तो एक झलक है अभी जो आपने पाई है ना, केवल एक झलक। इसमें क्या है बताओ, क्या है, क्या विचार है आपका? बता ही नहीं सकते, वहां शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं, शब्द बुद्धिगत दायरे में आते हैं। हृदय की अनुभूति किसी बुद्धि का विषय ही नहीं। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा।